कप्तान बनते ही सूर्य कुमार यादव ने मचाया गगर। 4 गोल्डन डक के बाद खेली तूफानी पारी। 63 मिनट में चमका सूर्य। खत्म हुआ सूर्य ग्रहण। केकेआर को रौंदने के बाद सूर्य कुमार ने बरी हुंका। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव फॉर्म में वापस आ चुका है। ऐसे में सूर्य कुमार यादव के लिए एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हराकर आईपीएल 2023 में अपनी दूसरी जीत दर्ज की है। मुंबई को ये जीत सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में मिली है। पेट दर्द के चलते कप्तान रोहित शर्मा इंपैक्ट प्लेयर के रूप में बल्लेबाजी करने उतरे थे। ऐसे में सूर्या ने इस मुकाबले में मुंबई की कमान संभाली थी और कमान संभालते ही स्काई का सूर्य ग्रहण भी खत्म हो गया है। पिछली 6 पारियों में सूर्या 4 बार गोल्डन डक पर आउट हुए। पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में किसी भी मुकाबले में उनका बल्ला नहीं चला और पहली ही गेंद पर आउट होते गए। इसके बाद आईपीएल में भी इस मुकाबले से पहले उनका यही हाल था। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पिछले मुकाबले में सूर्य कुमार फिर गोल्डन डक पर आउट हो गए थे। लगातार संघर्ष कर रहे सूर्या का बल्ला आखिरकार केकेआर के खिलाफ चला और 63 मिनट में स्काई का सूर्य ग्रहण खत्म हो गया। सूर्या 63 मिनट क्रीज पर टिके रहे और 25 गेंदों में 43 रनों की तूफानी पारी खेल डाली। इतना ही नहीं, सूर्या ने आंद्रे रसल की गेंद पर अपना फेवरेट सुपला शॉट भी खेला। सूर्या ने अपनी पारी में 4 चौके और 3 तूफानी छक्के उड़ाए। भले ही सूर्या अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए, मगर पिछले कुछ मैचों से जूझ रहे विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को पटरी पर लौटने के लिए ऐसी ही एक पारी की जरूरत थी और इस पारी से उनकी फॉर्म और उनका विश्वास भी लौट आया है। मैच के बाद मुंबई के लिए कप्तानी करने वाले सूर्य कुमार ने जीत के बाद खुशी जाहिर करते हुए कहा, मैच से पहले डगआउट में हमारी बातचीत हुई थी। हमें बस पिछले गेम से गति बनाए रखनी थी और लड़कों ने शानदार प्रदर्शन किया। मुझे खेल खत्म करना अच्छा लगता है। जिस तरह से चीजें हुई उससे बहुत खुश हूँ। पहली 6-7 गेंदों के लिए मैंने अपना समय लिया और फिर मैंने सोचा कि अगर मेरी नज़र अंदर आ जाए तो मैं इसे आगे ले जा सकता हूँ। मैंने आज खुलकर बल्लेबाजी की। पीछे क्या हुआ, कितने डक हुए, सबको भूलकर मैंने आज अपनी बैटिंग पर भरोसा किया। मुझे पता है पहली 7 से 10 गेंदों में अच्छी बल्लेबाजी करने की जरूरत है। मैंने आज ऐसा ही किया और उम्मीद है कि मैं इसको अगले मैचों में भी जारी रखूंगा। दोस्तों, सूर्या ने पहली 5 से 7 गेंदों में समय लिया और उसी समय स्कोर की ठान ली थी। इस पारी से पहले आईपीएल का ये सीजन सूर्या के लिए कुछ खास नहीं जा रहा था। ना तो वो रन बना पा रहे थे और ना ही फील्डिंग में कमाल कर रहे थे। सूर्या से आसान से कैच भी काफी छूटे थे। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सूर्या ने 2 कैच छोड़े थे और 1 कैच पकड़ते हुए सूर्या बुरी तरह से चोटिल भी हो गए थे। कैच लपकने की कोशिश में गेंद उनकी आंख के पास लग गई थी और चोट के चलते उन्हें मैदान भी छोड़ना पड़ गया था। लेकिन अब लंबे समय के बाद सूर्य कुमार यादव के बल्ले से रनों की बौछार हुई। उन्होंने केकेआर के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर डाली। सूर्या ने 172 के स्ट्राइक रेट से 25 गेंदों में 43 रन जड़ डाले। दोस्तों, सूर्या की बैटिंग को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।